सो हेलो माय लवली पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी शिवांगी थवाइत और अगेन मैं आप लोगों के पास लेकर के आई हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड इस वीडियो में ना आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मैं कौन कौन से फाउंडेशन का, आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा ना कि मैं किस किस फाउंडेशन के बीच में कंपेयर करने वाली हूँ। इससे पहले ना मैंने फेस पैक का कंपेयर किया था, एवे यूथ एंड गुड वाइब्स के बीच में कंपेयर किया था, एंड वो वीडियो का लिंक ना मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड या इस वीडियो में ना मैं करने वाली हूँ दो फाउंडेशन के बीच का डिफरेंस, एंड डिफरेंस भी बोल सकते हो, कंपैरिजन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, एंड रिव्यू भी बोल सकते हो साथ ही साथ में। तो मैं आज करने वाली हूँ दो फाउंडेशन के बीच में कंपेयर, एंड वह फाउंडेशन है हमारा सबसे पहला लैक्मी 9 to 5 का प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन, एंड द सेकेंड है हमारा मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फाउंडेशन। एंड ये दोनों फाउंडेशन के बीच में ना आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ, एंड आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए ये दोनों के बीच में। एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल आप लोगों को फाउंडेशन मिल जाता है अगर आप बिगनर्स हैं या फिर टीनेजर्स हैं, एंड अगर आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन चाहिए ना तो मुझे लगता है कि ये दोनों में से कोई सा एक आप लोगों को ले लेना चाहिए। एंड बजट फ्रेंडली भी है, साथ ही साथ में ये 500 के अंदर का फाउंडेशन है जो कि बहुत ही अच्छा कवरेज प्रोवाइड करते हैं, एंड बहुत बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, एंड साथ ही साथ ना ये आप लोगों के फेस को प्रोटेक्ट भी करता है, और वो कैसे मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करना इज टोटली फ्री। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ, एंड साथ ही साथ ना बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग ना अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, एंड ये आप देख सकते हो ये दोनों फाउंडेशन का मैं आज करने वाली हूँ कंपेयर। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो बात करते हैं सबसे पहले पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग में आप देख सकते हो ये है हमारा लैक्मी 9 to 5 का प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन, एंड इसका पैकेजिंग में आप लोगों को मिल जाता है ये पीच कलर का एक प्लास्टिक है, ये बैटल है ना, ये जो प्लास्टिक है, एंड इसके ऊपर में इस तरीके का पीच कलर का जो मिरर टाइप से दिया हुआ है, मिरर नहीं बोल सकती बट हाँ, इसमें आप अपना फेस आसानी से देख सकते हो। एंड इस तरीके का पीच कलर का ढक्कन इसमें दिया हुआ है, एंड इसका पैकेजिंग है इस तरीके का ग्लास बॉटल जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है नहीं, एकदम ब्लरिंग टाइप का ट्रांसपेरेंट है। एंड सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा फिटमी का फाउंडेशन, मेबलिन फिटमी फाउंडेशन। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसका कैप आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है ब्लैक कलर का, एंड इसका जो पैकेजिंग है ये भी ऑल टोटल ग्लास का है, बट हाँ ये ट्रांसपेरेंट है इसके मुकाबले, ये देख सकते हो इस तरीके का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप लोग बिल्कुल भी जगह तो आप लोगों के उसमें घेरेगा नहीं, एंड बहुत ही सुंदर सा है। इसमें आप लोग देख सकते हो ये फाउंडेशन, इसका क्वांटिटी है आप लोगों का लैक्मी 9 to 5 का क्वांटिटी है 25 ml का, एंड इसका क्वांटिटी आप लोगों का 30 ml का, बट ये ज़्यादा मोटू दिख रहा है एंड ये ज़्यादा पतलू दिख रहा है, एंड मोटू और पतलू की जोड़ी। ओके, सो इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका प्राइस है आई थिंक कहाँ लिखा था, हाँ इसका प्राइस है 475, अंडर 500 का है, तो 475 इसका प्राइस है। एंड इसके प्राइस का मैं बात करूँ ना तो इसका प्राइस है 549, यानी कि 550 का, बट हाँ इसको आप लोग अगर ऑफर में लेते हो ना तो आप लोगों को बहुत ही इजीली ना डील में सेल में अच्छी तरीके से मतलब 300-350 में आप लोगों को ये मिल जाएगा। सो या अब हम लोग चलते हैं इसके सेट की तरफ। तो सेट का मैं बात करूँ तो मेरा है डस्की स्किन टाइप से है, मतलब ज़्यादा मैं फेयर स्किन वाली तो हूँ नहीं, एंड ज़्यादा सांवली स्किन वाली भी नहीं हूँ, एंड मीडियम स्किन टोन है मेरा। तो मैंने इसका सेट लिया है वार्म क्रीमी, ये देख सकते हो इस तरीके का वार्म क्रीमी, एंड मेबलिन फिटमी का मैंने सेट लिया है 230, ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग सेट है ये, एंड 230 का जो फाउंडेशन रहता है ना वो हर किसी के पास रहता है ये वाले कलर का, बिकॉज ये ना हमारे इंडियन स्किन टोन में अच्छे तरीके से सूट हो जाता है। एंड बात करूँ इसकी कंसिस्टेंसी की, टेक्स्चर की बात करूँ ना तो इसका आप लोग टेक्स्चर देख लेना, ये देख सकते हो इस तरीके का इसका टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है एंड ड्रॉपी टाइप से है, ड्यूई आप लोगों को फिनिश देगा ये। एंड बात करूँ मैं फिटमी का तो ये आप लोगों को ना क्रीमी टेक्सचर देगा, ये ऐसे आप लोगों को पम्प करना रहता है ये इस तरीका का। एंड इसका कवरेज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कवरेज की अब हम लोग बात करते हैं तो ये देख सकते हो इसका कवरेज इस तरीके का है, एंड ज़्यादा फेयर भी नहीं है, मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये रहा इसका कवरेज, एंड अब हम लोग बात करते हैं लैक्मी 9 to 5 के बारे में, कवरेज के बारे में। सो या इसका कवरेज मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप कर लेती हूँ, एंड ये थोड़ा सा मुझे फेयर लगा अपने स्किन टोन से, ज़्यादा फेयर लगा ये मुझे, एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो जा रहा है,
एंड थोड़ा सा हल्का सा ना ये लिक्विडी फॉर्म ज़्यादा है, मतलब एकदम से स्मूथ है ये, बाकी अच्छा है, आप लोग इसे ले सकते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड या मैं इसे साफ कर लेती हूँ। एंड हाँ, इसका जो हम लोग बात कर लेते हैं, इसे आप लोगों को यूज़ कैसे करना है, तो इसमें जो आप लोगों को दिया है ना लैक्मे 9 to 5 में, ये इस तरीके का एक स्पूली दिया हुआ है, तो आप इसे आसानी से ना अपने फेस में ऐसे लगा सकते हो। एंड फिटमी का तो आप लोग देख लिए, इसमें आप लोगों को दिया हुआ है इस तरीके का पम्प, एंड ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। एंड कोई कोई फाउंडेशन ऐसे नहीं होते हैं कि मतलब हम लोग पंप करते हैं आते नहीं है, रुक जाते हैं, एंड ये बहुत अच्छा है। आप लोग ना, आप लोगों को जितना भी ड्रॉप चाहिए आप पंप करके इसे निकाल सकते हो। सो ये है, और ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गई, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, एंड ये ऑल स्किन टाइप्स, आई थिंक ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। एंड इसमें मिला हुआ है SPF 22, एंड इसमें आप लोगों को मिल जाता है प्राइमर, तो ना अगर आप लोग इसे यूज़ करते हो ना, तो आपको अलग से प्राइमर लगाने का तो ज़रूरत पड़ेगा नहीं, आप लोग इसे ऐसी नॉर्मल स्किन में भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने कुछ मेकअप नहीं किया हुआ है, बस आई लाइनर लिपस्टिक एंड आईब्रो बस फिल किया हुआ है। एंड इसमें आप लोगों को SPF 22 मिल जाता है। सो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोगों जो भी फाउंडेशन लो या कुछ भी मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट लो ना, तो SPF 30 या 40 का लेना चाहिए आप लोगों को। वो आप लोगों के स्किन को ना सन के मतलब हानिकारक किरणों से बचा देता है, एंड साथ ही साथ ना आप लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। सो आप लोगों को वही लेना चाहिए। एंड मैं बात करूँ ना इसको, मतलब ये किस तरीके से अफोर्डेबल वे से रखा सकता है, तो ये आप लोगों को ज़्यादा स्पेस तो लेगा नहीं, ये दोनों फाउंडेशन, ये पतला सा है एंड ये थोड़ा सा मोटा है। एंड मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग इसे रखते हो ना, तो ये थोड़ा सा मुझे ये ढीला लगा, इसका जो कैप है ये मुझे ढीला लगा, एंड उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है ये मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे इसे ढीला छोड़ दूँ तो ये निकल करके पूरे मैस हो सकता है। एंड इसका तो आप लोग जान रहे हो, इसमें पंप दिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, अगर डिलीवरी बॉय जो आप लोगों का रहेगा वो कुछ मिस्टेक किया रहेगा, या फिर कुछ प्रोडक्ट वहाँ से ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बिगड़ा हुआ आया होगा ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है, ये हील सकता है, बाकी निकलेगा तो नहीं, उतना गारंटी है। सो ये था आज का हमारा दोनों प्रोडक्ट में कंपेयर। एंड मैं ज़्यादा प्रिफेयर करूँगी आप लोगों को कि मतलब रिकमेंड करूँगी मैबलिन का न्यूयॉर्क फाउंडेशन, फिटमी न्यूयॉर्क फाउंडेशन, बिकॉज ये इसका कवरेज बहुत ज़्यादा है एंड आप लोगों को मैट फिनिश देता है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी से आप लोग इसे रख सकते हो। एंड इसको भी मैं करूँगी क्योंकि इसमें प्राइमर दिया हुआ है, अगर प्राइमर इसमें मिलता ना हमको मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन में, तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ता ये वाले फाउंडेशन का। बाकी हाँ, ये भी अच्छा है। एंड इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना, यहाँ लगाई थी ना मैं, फ्रेग्रेंस की बात करूँ, हल्का सा ना फ्लावरी टाइप का इसमें मतलब फ्रेग्रेंस आप लोगों को मिल जाता है, एंड इसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड ये केमिकल प्रूफ है, केमिकल प्रूफ मतलब केमिकल इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, एंड बस यही है। और हाँ, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना और भूल गई, ये जो हमारा है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, उसमें ना आप लोगों को वाइट क्ले मिल जाता है, जो कि इसमें ना मिश्रित है वाइट क्ले। एंड बस या ये आप लोग ना कोई भी हो, बिगनर्स हो, टीनेजर्स हो, आप लोगों का वेडिंग होने वाला हो, या फिर आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हो, बनना चाहते हो, सो आप लोग ये वाला ले सकते हो, दोनों के दोनों। एंड 500 के नीचे का जो फाउंडेशन है, मैं ना बस ये दोनों को ही आप लोगों को बताई हूँ, एंड एक और है जिसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आप लोगों को ये दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मेरे चॉइस से ना आपको ये वाला लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है, एंड होप आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा यूजफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए चूज करने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। सो प्लीज़ 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 प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।